हेलो गाइस, वेलकम टू आस्क एमबीए। सो आई होप ऑल यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी एग्जामिनेशन। एटलीस्ट दिन के 4 से 5 घंटा लगातार पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो मेक श्योर एक प्लान करो, क्योंकि यार गाइस बस 7 दिन और पढ़ना, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। तो मेक श्योर करो कि एटलीस्ट दिन का आप 4 घंटा लगातार पढ़ रहे हो। 4 घंटा जब मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं फ़ोन पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ, या जैसे अभी आप यूट्यूब का देख रहे हो वीडियो, ये भी आप थोड़े कम टाइम के लिए रखिए। या अभी आप अगर आप देख रहे हो, मतलब ये आपका ब्रेक टाइम है। इसके बाद आपको प्लान करना है कि आप जाके एटलीस्ट आपके जो सीईटी के क्वेश्चंस हैं, आपका पेपर पैटर्न है, आपके लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उनको जाके रिवाइज कर रहे हो। तो गाइज एक छोटा सा टिप है जो इसमें वीडियो में आपको देना चाहूंगी, ये है कि आप जैसे पता हो कि बहुत सारा सिलेबस है, उसमें क्वांट भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, डीआई भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है, बट इन सबको मेमोराइज करना और याद रखना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो एक नोटबुक लीजिए, या एक कोई भी आप बुक में जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका एक लास्ट पेज लीजिए, और उसके अंदर जो भी कुछ आपके मेन मेन कॉन्सेप्ट्स है, मेक श्योर यू आर राइटिंग इट। जैसे एरिथमेटिक के कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे एक रिसेंटली एक रील डाला था जिसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जो फॉर्मूलाज रहते हैं क्वांट के, एंड आपके जो ट्रिक्स है जो आपके वर्बल में जो यू नो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, जैसे आरसी के रिलेटेड, आपके पैरा चंबल के रिलेटेड, वो सबके स्मॉल स्मॉल क्लिप्स हैं। तो एटलीस्ट वो एक पेज पे ना लिख के रखो, एंड मॉक देने से पहले ना मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू दोज नोट्स। तो क्या होता है कि आपको थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है, आपको पता होता है आपको करना क्या है। मोस्टली जब आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हो तो क्या होता है कि यार हम एक सेक्शन लेते हैं, जैसे क्वांट पढ़ लिया तो मैं यार एक पहले एवरेजेस कर लूँ, फिर परसेंटेज करूँगी, फिर रेशियो प्रोपोर्शन करूँगी, या मे बी नंबर सिस्टम करूँगी। तो आपको पता रहता है, आपका माइंड टोटली उसी तरीके में चलता रहता है, बट एग्ज़ाम के वक्त सब कुछ झंबल्ड अप है। तो मॉक के पहले या एग्ज़ाम में जाने से पहले ये जो एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर है, या एक छोटी सी जो नोटबुक है जिसके अंदर अपने सारे जो कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, वो आपके लिए एक अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। सो मेक श्योर यू गाइज आर फॉलोइंग दिस एंड राइटिंग इट, एंड आई एम डैम श्योर दिस इज गोना हेल्प यू। बस एक पेपर ले लीजिए, उसमें लिखिए आगे वर्बल, वर्बल में आपको पता है आरसी आने वाला है, पैरा जंबल आने वाला है, ऑड वन आउट आने वाला है, आपका पैरा कंप्लीशन आएगा, वर्बल आपके जो ये है स्पेलिंग्स है, सिंटोनियम्स है, एनोनियम्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप लिख के रखिए एंड फॉलो दोस। जैसे एक बार देख लो कि यार ये चीज़ें आने वाली है, जैसे वोकैबलरी हो गया, इस टाइम सीईटी में काफ़ी ज़्यादा वोकैबलरी के रिलेटेड भी क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट आप 5 से 6 क्वेश्चंस आराम से होंगे ही होंगे। तो वो सारे जो अपडेट्स है, आप कुछ कुछ चीज़ें उसका नोट्स बना के रखिए। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉगिज्म हो गया, एक उसका एक कॉन्सेप्ट रहता है, उसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का, वो एक जगह पे लिख के रखिए। फिर आपके डीआई के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, आपके परसेंटेज के कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं, वो सारा एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के रखो, सो दैट मॉक देने के पहले या एग्जाम के पहले वो आप रेफर कर सकते हो, सो दैट योर माइंड इज ऑल क्लियर और आप कन्फ्यूज नहीं हो कि यार क्या करना है, कैसे करना है, ये क्वेश्चन सॉरी आएगा तो मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये एक पीस ऑफ पेज आपके लिए रहेगा एग्जाम के पहले। मेक श्योर करो कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, आप 10 लोगों से सजेशंस नहीं पूछ रहे हो, यार एग्जाम कैसा हुआ, क्या था पिछले साल, क्या कंफ्यूज नहीं हो रहा, आपको पता है आप सही ट्रैक पे हो, आपको पता है क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, इतने टाइम से आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कोई मेंटोर रहेगा, एक फैकल्टी रहेगा जो आपको हेल्प कर रहा होगा। Follow one person and remember, it is you who are going to attempt the exam. It is your point of view, it is your strategy. आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है, किस तरीके से आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, सो यू आर गोना गेट द रिजल्ट ऑफ इट। एंड गाइस, इट्स जस्ट एन एग्जाम, डोंट वरी, इतना स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस लेके कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जस्ट एक छोटे छोटे जो टिप्स है उसको फॉलो करो, बिकॉज इट्स जस्ट एन एंट्रेंस एग्जाम गाइस। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो बस ये 7 दिन की पढ़ाई है, और उसके बाद आराम ही आराम, एंड देन योर लाइफ इज जस्ट गोना चेंज। यू नो हाउ एमबीए वर्क्स, हाउ यू नो द टॉप बिजनेस स्कूल्स आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, बट ये सारे इन्फॉर्मेशन के लिए अगला एक वीडियो बन सकता है। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर वन सिंपल थिंग, दैट इज दैट कि जस्ट टेक अ स्मॉल नोटबुक for write the tips and information and keep it with you whenever you're free or during the exam or before giving the mock, just refer that and you're gonna rock in that mock and also in your exam too. Thank you so much guys, bye, and to like and subscribe to my channel.